नमस्कार जी, स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं राज कचौरी। तो इसके लिए हमने पहले आटे का डो बनाना है। उसके लिए हमने सामग्री ली है, एक कटोरी हमने मैदा ले ली है, पौना कटोरी हमने सूजी ली है, और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और थोड़ा सा हमने नमक लिया स्वाद अनुसार, और पानी। पहले हम इसका डो बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। तो इसके लिए हम एक बोल लेंगे, इसमें हम मैदा डाल देंगे, सूजी जो ली है हमने उसको डाल देंगे, और जो हमने स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेना है, जैसे हमने रोटी पूरी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसका आटा गूंद लेना है। अब ये हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हमने आटे के 5 पेड़े बना लिए हैं, अब हमने इसकी पूरी बनानी है। अब हमने पेड़े को लेना है और हम मैदे से इसको ऐसे लपेट लेंगे और हम इसकी पूरी बेल लेंगे, ऐसे करके पूरी की तरह इसको हम बेल लेंगे। हमने इसको ना ज्यादा मोटा बेलना है ना पतला बेलना है, और चारों तरफ से एक बराबर इसको पूरी को बेलना है, ऐसे करके। अब ये हमारी पूरी अच्छे से हमने बेल दी है चारों तरफ से। अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई में तेल गर्म कर लिया, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ। हमने इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया है, देखो ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कचौरी पूरी बेली है, उसको हम इसमें डाल देंगे। हम ऐसे करके इसको कच्ची के सहायता से इसको हम ऐसे दबाएंगे। अब ये हमारी कचौरी देखो कितने अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें ऊपर से ऐसे करके इसमें तेल डालते रहेंगे, ऐसे करके। अब हमने कचौरी को दूसरी साइड बदल देना है। अब हमारी एक साइड से देखो कचौरी कितने अच्छे से पूरी फूल गई है। अब हमने स्लो गैस पे इसको दूसरी साइड से पका लेना है, फ्राई कर लेना ब्राउन होने तक। अब हमने ऐसे करके ऊपर से इसमें तेल डालते रहेंगे कि ऊपर से भी हमारी अच्छे से कचौरी ब्राउन हो जाए। अब भी बना के देखना है, खाने में बहुत ही स्वाद होती है। और लॉकडाउन में आपको ये नहीं है कि कचौरी के लिए पूरा सामान घर में नहीं है, आपके पास जो भी सामान है उसके हिसाब से आप कचौरी बना के खा सकते हैं घर में। अब ये हमारी कचौरी देखो कितने अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब ये हमारी कचौरी नीचे से भी अच्छे से देखो सिक गई है, एकदम ब्राउन हो गई है ये देखो। अब ये हमारी कचौड़ी की पूरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी कचौरी बनाएंगे। अब ये हमारी सारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे। अब हम इसको मसाले से भरेंगे। अब हमने कचौरी को भरने के लिए जो हमने सामग्री ली हुई है वो आपको हम बता देते हैं। मीठा दही लिया हमने, और सेब छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया, फ्रूट में ड्राई फ्रूट लिया हमने, किशमिश, बादाम, काजू, हरा धनिया, इमली की चटनी और हरी चटनी, सेब ये हमने अपने आप खुद बनाई हुई है, चने की दाल हमने फ्राई करके ले ली है, आलू को उबाल के हमने फ्राई करके ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक। अब हम कचौरी को ऊपर से ऐसे फोड़ लेंगे, ऐसे करके तोड़ देंगे इसको।
देखो कितनी कड़क बनी हुई है, टूट भी नहीं रही है हमारी कचौड़ी। अब हम इसको भर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पहले आलू जो हमने लिए हैं, आलू, चना दाल फ्राई की हुई है। अब हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी, खट्टी मीठी, हरी चटनी, मीठी दही। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने काट के लिया है, और ऊपर से हम डालेंगे इसमें सेब, और ऊपर से हम डालेंगे इसमें जो हमने सेब भुजिया ली हुई है वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। अब हम ऊपर से फिर डाल देंगे इसमें इमली की चटनी, हरी चटनी, मीठी दही। अभी बना के देखना, खाने में बहुत स्वाद होती है। अब हम ऊपर से फिर इसमें सेब डाल देंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें हरा धनिया। अब ये हमारी राज कचौड़ी खाने के लिए तैयार है। अब ये हमारी राज कचौड़ी खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।